गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। नाउ विल बी डिस्कस चैप्टर नंबर थर्ड और उसके टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने अब तक 7 तक क्वेश्चन कर लिए। कल लास्ट हमारा 7 क्वेश्चन था। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 8 को सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 152, 152। और क्वेश्चन को डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन हमें करना है, वो पढ़ते हैं। देखो, ए भी एक क्रम में साईदार है जो दो दो एक अनुपात में लाभ बांटा करते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका स्थिति इस प्रकार है और 31 3 2017 को सी अवकाश ग्रहण करता है। कितने महीने बाद अवकाश ग्रहण करता है? 3 महीने बाद 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं और 31 मार्च को वो अवकाश ग्रहण करते हैं, 3 महीने बाद। बैलेंस शीट ऐसे है, 31 दिसंबर वाली कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व जो डिवाइड हो जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रखी है। नीचे इंफॉर्मेशन है, सी को दे राशि की गणना के लिए निम्न पर आपसी में सहमत हुई। जो सी जा रहा है 3 महीने बाद, उसकी जो पैसा हमें देना पड़ेगा उसके लिए सहमति कुछ इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है, भूमि व भवन का मूल्यांकन 12 लाख पे किया गया। तो देखो, पहले था 10 लाख का ऊपर बैलेंस शीट में, अब हो गया 12 लाख का। कितना बड़ा? 2 लाख। रिवोल्यूशन किधर आएगा? डीआर, सॉरी रिवोल्यूशन के सीआर। तो चलो रिवोल्यूशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मास्क रखना भाई सभी। कल ही वो बोल रहे थे मास्क रख के नहीं करते हैं। भाई मुझे बोलना पड़ता है तो मुझे मास्क रखाना पड़ता है, आपको बोलना नहीं है। जैसे आपको कुछ पूछना है तो मास्क को थोड़ा सा नीचे करो और पूछते रहो, बाकी मास्क ऊपर। मास्क एनी टाइम थोड़ा सा लूज ले आओ, या जहाँ तक हो आप कपड़े का सिलवा सको तो बहुत ही बेस्ट है, जिसमें डबल लेयर होनी चाहिए। और कॉटन का सिलवा लो तो वो क्या है, स्किन पे ऐसे दबाव था नहीं, और कपड़े की डोरी उनकी, ताकि वो रबड़ तो क्या स्किन पे से दबाव बनाता है। तो ये क्लास जब खुलेगी तो हमें और ज़्यादा पसंद करेंगे। पहले से आज आप 4 बच्चे हैं, कल आप 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो आप वो तो कर सकते। सीटिंग अपनी फिक्स रखो, जैसे समीर जिस दिन चाहे उसी सीट पर बैठता है, इससे इला नहीं, फिक्स। कोई दूसरा देखे तो उसको प्यार से सोचो भाई, नहीं सीखते और फिर प्यार से नहीं माने बोलो उसके लिए, ऐसा नहीं कि दिल छोड़ देंगे, दिल नहीं छोड़ेंगे। अरे विशाल, मुझे अकाउंट का रजिस्टर दे दो आपका, अगर उसमें क्वेश्चन नंबर जो आज तक किया हुआ है 17 16, बस उसकी मुझे वो सबसाइज बुक थी वो मुझे रख देना है ना। मैं चलो तो क्लास उसके बाद वो दिखा के उसको समझा दूंगा कि मैं घर पे देखूँ। तो भूमि और भवन में कितने रुपए का मूल्यांकन किया? 12 लाख का, तो 2 लाख बढ़ गए बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। नेक्स्ट है, जो विनियोग का है मूल्यांकन कितने पे किया गया? 1 लाख पे किया गया। पहले कितना था विनियोग? 1,25,000 का। कितना कम हुआ? 25,000 टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, स्टॉक का मूल्यांकन 3 लाख पर किया गया। पहले स्टॉक कितना था? 2,50,000। कितना बढ़ा? 50,000 बाई स्टॉक।
तो उसके बाद बोला छात्री का मूल्यांकन 5 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के किराए के आधार पर किया जाएगा। यदि 5 साल का औसत निकाल लेंगे फिर 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो क्या जाएगी छात्री, छात्री में क्या निकाल लेंगे जाने वाले सी का हिस्सा, और वो हिस्सा कौन देंगे ए और बी, कर देंगे 5वें चैप्टर की बात है। पॉइंट नंबर 5, सी की अवकाश ग्रहण की तिथि तक लाभों में हिस्से की गणना फिर से 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। देखिए ये नया टॉपिक आया है कि जाने वाले को लाभ में हिस्सा और रो, तो उसके लिए आपको एक आधार देगा। तो अगला बोला पिछले 3 सालों को आधार मान लो, तो पिछले 3 सालों का आधार निकाल लेंगे एवरेज, उस एवरेज प्रॉफिट को हम उतने महीने में कन्वर्ट कर देंगे जितने महीने जाने वाला रहा, यानी कितने महीने रहा 3 महीने, तो उसको कितने महीने में कन्वर्ट कर देंगे 3 महीने, और 3 महीने में कन्वर्ट करने के बाद अगले का क्या निकाल देंगे हिस्सा, कि उसका हिस्सा कितना है ताकि उसको दिया जाए। फिर नीचे आपको देखो पिछले 5 साल के लाभ दे रखे हैं, और फिर बोला पॉइंट नंबर 6, देय राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाए जिस पर 10% वार्षिक ब्याज देय होगा। हमें सी को पेमेंट नहीं करना है, लोन में डाल देना है पैसा। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, चिट्ठा बनाओ। तो रिवेल्यूशन में इन 3 नाम के आगे कुछ नहीं आया, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, बाय स्टॉक 50,000, और टू इन्वेस्टमेंट जो कमी हुई 25,000। तो अंतर राशि किस साइड आनी है, डी आर पार्टनर कैपिटल, कौन है पार्टनर ए बी सी, कितना है अंतर की राशि 2,25,000, किस अनुपात में बांटोगे 2:2:1 में। तो 2,25,000 2:2:1 में बांटोगे तो कितने कितने रुपए मिलेंगे, 90,000 और 45,000, 90,000, 90,000, 45,000, 2:2:1, 2,25,000 में दोगे किसका भाग 5 का, तो रुपए आएंगे 45,000। 2 से करो 90, 2 से करो 90, 1 से करो 45। रिवेल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनर कैपिटल, इसी में नेक्स्ट अकाउंट। कोई दिक्कत पर्टिकुलर ए बी कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस कितना है बैलेंस छह लाख 4 लाख, ये 60,000 को 6 लाख कर लेना, देखो बाहर 16 लाख है, 6 लाख 6 लाख 4 लाख, 1,60,000 लिखा हुआ उसको 6 लाख कर देना ताकि बाहर जोर कितना चला जाए 16 लाख। बटने वाली डिजिट बोलो कौन सी है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया 4 लाख है, कितना कितना मिलेगा 1,60,000, 1,60,000 और 80,000, ये जनरल रिजर्व बट गया। और कोई डिवाइड होने वाली डिजिट ऊपर नहीं है, रिवेल्यूएशन में आओ, पार्टनर के नाम किधर है डी आर, किधर चले जाएंगे सी आर, सी आर में लिख दो भाई रिवेल्यूएशन 90, 90, 45, उसके बाद में और कोई डिजिट बटने वाली है नहीं, तो नीचे क्वेश्चन में आते हैं। पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक हो गया, कि तीनों टॉपिक कितने आए थे, तो
चौथा टॉपिक बोलता है गुडविल की गणना करनी है आपको औसत लाभ के हिसाब से, और किससे गुणा करना है, दो वर्ष से। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो वर्किंग नोट में चलो और एवरेज प्रॉफिट निकालो यानी औसत लाभ। पर्सन ने जो 5 साल के लाभ दे रखे हैं उनको जोड़कर 5 का भाग दे दो, तो 1, 80, 2, 20 कितने हुए, 4 लाख। 4 और 3 कितने हुए, 7 लाख। 7 लाख और 3 लाख कितने हो गए, 7 और 3 10 और 10 और 3 13। टोटल कितने लाख है, 13 लाख का टोटल है। 13 लाख में किसका मार्जिन दो, 5 का कितने आ गए, 2 लाख 60 हजार। ये तो औसत, औसत का कितना गुणा है, ख्याति दो वस्तु के चरे के आधार पर, यानी किससे गुणा करना है, दो से। तो अब लिख लो ख्याति बराबर यानी गुडविल 2,60,000 गुणा दो, 5,20,000 ये गुडविल है। गुडविल में किसका हिस्सा निकाल लो, सी का। सी का कितना हिस्सा है, 1/5, तो 1/5 निकाल लो सी का हिस्सा। तो 5,20,000 का 1/5 कितना होगा, 1,04,000 गया, 1,04,000। 1,04,000 कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और किस अनुपात में देंगे, कुछ भी नहीं बोला यानी अपने जो उनका अनुपात है नया उसी अनुपात में, और कुछ नहीं बोलता तो नया अनुपात भी कितना है, 2:2:1 है। 1 जाने तो कितना बचा, 2:2, और 2:2 घटे कितना हो गया, 1:1, यानी कैसे देंगे, बराबर बराबर, यानी कितने देंगे, 52,52,000। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिटायरिंग तो सी ए में 52, बी में 52, और सी को दिलवा दो किससे, ए से और बी से। यहाँ तक कोई दिक्कत, रिमेनिंग टू रिटायरिंग गुडविल के लिए, गुडविल के लिए बताया था 99% रिमेनिंग टू रिटायरिंग ही होता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग नाम होती। नेक्स्ट है, हमें इसके लाभों में हिस्सा देना है, नया टॉपिक है। देखो लाभों में हिस्सा बोला पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर, तो पहले पिछले 3 वर्ष का औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ पिछले 3 वर्षों के लाभ, तो पिछले 3 वर्षों को लाभों को जोड़ के किसका डिवाइडेशन दे दो, 3 का, तो पिछले 3 वर्ष के लाभ है 9 लाख। कितने हैं, 9 लाख, भाग दे दिया 3 का, तो एवरेज कितना आ गया, 3 लाख आ गया। 3 लाख, इस 3 लाख में हिस्सा देना है इसको, लेकिन हिस्सा कब दोगे, ये तो 3 लाख साल भर के हैं, अगला कितने महीने रहा है, 3 महीने। तो इसको पहले तो 3 महीने में कन्वर्ट करो, और फिर क्या निकालो, हिस्सा। कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे कि 3 लाख है साल भर के गुणा 3/12 बढ़ गया 3 महीने का, गुणा अगले का क्या निकाल दो, इसका 1/5, ये 3 चौक तो 12, 5 काट दो 6 5 जो 30, 60, फिर 4 को काट दो कितना आएगा, 15,000 रुपये। कितने हजार आएंगे, 15,000। किधर लिखोगे, तो ये व्यापार में बीच में लाभ देते हो तो सीआर की साइड आएगा, और आमदनी होती है तो किधर आएगा, डीआर की साइड आएगा, और नाम किसका आएगा, पी एंड एल सस्पेंस। व्यापार के मध्य में अगर लाभ दिया जाएगा तो उसे किस नाम से दिखाया जाएगा, पी एंड एल सस्पेंस, याद रख लेना है। और इसे अगर बैलेंस शीट बनाना है तो ये बैलेंस शीट में भी आएगा, लाभ है तो इसके सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट्स में, हानि है तो इसके डीआर में और बैलेंस शीट के लाइफ। हो गया ये काम भी, और कुछ बचा,
अगले ने बोला सी का पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो, तो सी का पैसा कर दो लोन में ट्रांसफर। सीज लोन करो प्लस कितना आता है? क्या क्या है तो क्या है जी? 6,44,000 सीज लोन, घटने वाली कोई डिजिट नहीं है, इसलिए सीधा का सीधा 6,44 लोन में चला गया। और वो क्या निकाल दो, बैलेंस शीट, पूंजी का समायोजन तो बोला ही नहीं, तो नहीं करेंगे, बस चीजें लिखते जाओ और बताते जाओ। कितने हैं? 8.5 लाख, 8,50, और इसका भी सेम यही जोड़ा है, जोड़ है 8,50, इसमें 52-52 घटा दो, 7,98,000 ये बनेंगे। ये इनका पार्टनर कैपिटल क्या? 2 बार औसत लाभ निकलवाया, एक बार निकलवाया 5 साल का, तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़े 5 का भाग दिया। एक बार निकलवाया 3 साल का, तो 3 को जोड़ा 3 का भाग दिया। तो ये औसत कैसे निकलता है? कितने सालों के लाभ है उनको जोड़ो, उतना ही बात, ठीक है ना? ये नया पॉइंट आ रहा है, लाभ में इसका कैसे निकलता है। जिसको भी आपने माना है वो बेस, उस बेस अमाउंट को लिखो, इनटू करो जितने मैंने वो दिया, दिन है तो दिन करो और गुणा कर दो, उसका इससे से निकल जाएगा। और किस नाम से लिखना? पी एंड एल सस्पेंस के नाम। और गुडविल की कैलकुलेशन तो दो के पास नहीं, तुम जाइए कैसे उसकी कर, बस यहाँ तो अगले का गुडविल कैलकुलेशन करने के बाद हिस्सा निकाल दो और रिमेनिंग को रिटायरिंग, ठीक है? करते हैं इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमें क्या करना है? बस पुराने वाली में चेंजमेंट करना है। सबसे पहले कैपिटल दे रखा, तो हम भी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कैपिटल कौन है? सिर्फ ए और, तो कैपिटल ए और बी। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिख देना भी, है ना? 7,98,7,98, 15,96,000। उसके बाद कोई नई लाइब्रेरी बनी, सीज लोन 6,44,000। और कोई नई लाइब्रेरी बनी? नहीं। बुक्स में क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा? 15 और 6, 21, 22, 23, 23,40,000। एसेट्स की तरफ लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख और बढ़ गए, तो कितने लाख की हो गई? 9th नाम किसका है? इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, 25,000 कम हो गए। अब 1 लाख का हो गया। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक में 50,000 बढ़ गए, 3 लाख। नेक्स्ट डेटर्स में कोई चेंजमेंट नहीं है, कितने का है? 4 लाख। नेक्स्ट कैश एट बैंक में कोई चेंजमेंट नहीं है, कैश एट बैंक कितने रुपए हैं? 1 लाख। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट, कैश इन हैंड
1 लाख थे और कैश एट बैंक कितने हैं? 2,25,000। कोई नया आपका एसेट की तरफ आने वाली डिजिट बताया था कि आएगा P&L, जिस साइड होगा उसी साइड आ जाएगा, चाहे इस तरीके से याद कर लो। तो P&L सस्पेंस के 15। और जोड़ दो कितना आएगा? 23,40,000। ठीक है ना, 23,40,000। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? ए। कोई मोबाइल आया क्या? एक बार कनेक्टिविटी करके देखना, कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। कनेक्टिंग चल रहा है ना, कभी कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, सस्पेंस का बेटा प्रॉफिट में जब हिस्सा देते हैं तो सस्पेंस का नाम आता है। पॉइंट नंबर 5 बोला सस्पेंस में हिस्सा देना है 3 वर्ष के औसत लाभ के हिसाब से। तो 3 साल का लाभ पिछले साल के लाभ ले लेंगे। देखो 3 लाख, 2,75,000 और 3,25,000, टोटल कितना होते हैं? 9 लाख। 9 लाख में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 3 लाख। 3 लाख को किस महीने में कन्वर्ट कर लो? जितने महीने वो रहा, कितने महीने रहा? 3 महीने। तो 3 लाख गुना 3/12, और फिर उसका हिस्सा निकाल दो, गुना 1/5। और ठीक है ना, ऐसे। अब नेक्स्ट हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ चेंजमेंट है उस क्वेश्चन में। क्या चेंजमेंट है? अब तक हम सिर्फ सिंगल आदमी के सभी पार्टनर्स के अकाउंट बना रहे थे। बाय द वे क्वेश्चन में बोल दे सिंगल पार्टनर के, बताओ जैसे किसी की डेथ हो गई तो ये बताओ कि रिप्रेजेंटेटिव को क्या दिया जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है नया, बस आपको तो उस आदमी का अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हो गई, और अंदर जाके रिप्रेजेंटेटिव में लिख दो। रिप्रेजेंटेटिव लिख दो, एजुकेटर लिख दो, कुछ भी जो भी है वो लिख दो। कैसा होगा वो अकाउंट? तो कुछ इस तरीके का होगा, देखना। जैसे इसमें सिर्फ सी का अकाउंट बनाना होता तो कुछ ऐसा बनता। सी का बैलेंस लिख दो, जनरल लेजर में हिस्सा लिख दो, रिवेल्यूएशन बनाया तो उसमें हिस्सा लिख दो, गुडविल रिमेनिंग पार्टनर से दिला दो, सस्पेंस है तो सस्पेंस दे दो, डीआर में क्या जाता? अगर ड्राविंग है तो ड्राविंग खा जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग खा जाता, और अगले का सीज लोन के लिए क्या लिख देते? सीज एजुकेटर उत्तराधिकारी को दिया, बन गया खाता। ये सिंपल है इस तरीके से, ठीक है ना। सिंगल सिंगल अकाउंट बनाने पर बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं होंगे, तो सिर्फ सिंगल अकाउंट। और नौ के पार्ट से, नौ के परसेंट से 9, 10, 11, 12 सिंगल अकाउंट ही पूछता है हम, तो सिंगल अकाउंट बनाए। तो चलो सिंगल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार हैं जो दो दो एक अनुपात में लाभ बांटते हैं। साझेदारी संलिंग में प्रावधान है किसी भी साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि को निम्न अधिकार होंगे। यदि कोई साझेदार की डेथ हो जाएगी तो उसके वैधानिक प्रतिनिधि को निम्न अधिकार दिए जाएंगे। वो अधिकार क्या है? पूंजी पर 12% की दर से ब्याज देना है, आरण पर 18% की दर से ब्याज लेना है, 12,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन लेना, प्रति वर्ष यानी 12 महीने के 12,000, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर फर्म के लाभ में हिस्सा देना है। अब की बार आधार किसको मानना है? पिछले वर्ष के लाभ को। और 31/5/2017 को पी की मृत्यु हो गई। कौन मर गया? पी।
उसकी पूंजी 31/3/2017 को 80,000 थी। 31/3/17 को पूंजी 80,000 थी, मरा 31/5 को, यानी कितने महीने बाद मर गया? 2 महीने, खाते बंद होने के 2 महीने बाद मर गया। तो हर चीज 2 महीने की दी जाएगी। उसने 15,000 रुपये निकाले यानी ड्रॉविंग, उस पर ब्याज की गणना 1,200 रुपये है, ड्रॉविंग पर ब्याज की गणना करके दे रखी है। और पिछले वर्ष का लाभ है आपका 30,000, ताकि आपको इस साल का लाभ आप उसको दे सको, 30,000 को 20 बना के दे दो। ठीक है, ये कुछ हमारा क्वेश्चन है। तो बनाते हैं, अगले ने बड़ा पी के वैधानिक प्रतिनिधि को देने के लिए उसका पूंजी खाता बनाओ, तो किसका पूंजी खाता बनाओ? ठीक है, तो पी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अमाउंट सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बैलेंस लिख दो, बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है फिर बोला? अब पहले पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ। पहला पॉइंट बोला पूंजी पे ब्याज दो, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? पूंजी कितनी है, कितना परसेंट ब्याज है, कितने महीने वो रहा? तो 2/12, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितने आ गए? 16 लाख। 16 सौ पूंजी पर ब्याज, पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 18% है, निकालने की ही जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको क्या दे रखा है? ड्रॉविंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकाल के दे रखा है, तो आपको तो बस लिखना लिखना है। टू ड्रॉविंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ड्राविंग कितना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 1,200, ड्राविंग 15,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 1,200। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक बोला साल का वेतन 12,000, तो ये तो कितने महीने रहा? 2 महीने, तो कितना वेतन दोगे? 2,000। 12 महीने के 12,000, तो 2 महीने के 2,000 बाई सैलरी। नेक्स्ट और क्या देना है? लाभों में हिस्सा पिछले वर्ष के हिसाब से। तो पिछला वर्ष का लाभ कितना था देखो, वापस से देख लेना कैसे निकलता है। 30,000 आपके औसत निकालने की जरूरत नहीं है, औसत बोले तो औसत निकाल लो, पिछला साल बोले तो पिछला साल का लाभ ले लो। और अरे आरसी, आपके अकाउंट की कॉपी चाहिए आपको, हम वो करोगे उसमें कितनी देर में जा रहे हो? जा रही हो आप भी रह जाओ, मुझे उसका थोड़ा सा एक बार वीडियो बनाना उस टॉपिक को लेकर। कल आओगे आप मेरे क्लास में? नहीं, आज का नहीं, कल परसों। चलो कोई नहीं, चलो मैं राधिका से मिलवा। हाँ देखो, तो 30,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट है जो बेस है, कितने मंथ में कन्वर्ट करना है बोलो, कितने में निरा वो? तो 2/2, कितना हिस्सा है इसका पी का? 2/5, तो 2/5 ये तो 6 आ गया, ये 3 हो गया, 3 5 15 और 15 2 30, 2,000। किस नाम से लिखोगी? पी एंड एल सस्टेन, कितने हजार? और कुछ क्वेश्चन है नहीं, जोड़ दो 85,600 और इधर टू फीस
किसको देना है? एजुकेटर को, तो फीस एजुकेटर। फीस एजुकेटर को अंतर जाति दे दो, 16,200 लेस कर दो। उनहत्तर 400। परसेंट क्या हो गया? समाप्त। नौका। हेलो, सिंपल सोपर क्वेश्चन है, एक अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे है। फिर प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14, ये हमारा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अब 3 दिन और है क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट 3 दिन की क्लास में हम कोशिश करेंगे सबको कम्प्लीट। ठीक है, और देखें 2 अक्टूबर से हो सकता है 2 नवंबर से कंप्लीट क्लास ही लग जाए, तब तो कोई टेंशन नहीं है। अब बाद में उसके बाद कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं नहीं आऊँगा मेरी क्लास में। देखो, प्रश्न नंबर 10 देखो, ABC जो लाभ को 3:2 अनुपात में विभाजित करते हैं, उन्होंने 6 लाख की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रीमियम 4,000 रुपये है, और फर्म के खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, 1 अगस्त को ठीक की मृत्यु हो गई। कितने महीने बाद मरा? 31 मार्च को बंद होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी, अब मार्च को बंद होते हैं ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने बाद मर गया? 4 महीने बाद, 1 अगस्त को तो मर ही गया। पूंजी व बीमा की राशि में सी के प्रतिनिधि को भुगतान करने का अधिकारी है, तो बाई बैलेंस BD1 को पूंजी लिख देना, कितनी जा रहा है? 60,000। पूंजी कितनी है इसकी? नहीं, पूंजी 60,000 नहीं, नीचे है, पूंजी है 90,000, तो 90,000। और फिर JLP है 60,000 की, उसमें उसको हिस्सा दे देना, 60,000 में उसका हिस्सा इक्विटी से कितना आ जाएगा? 10,000। फिर बोला मृत्यु की तिथि तक पूंजी पर ब्याज 10%, तो पूंजी है 90,000, दर है कितनी परसेंट ब्याज की? 10/2, तो कितने महीने दिया? 4 महीने, 4/12 निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। दे दोगे? पॉइंट नंबर 2, साझेदारों को लाभ में हिस्सा गत 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर दिया जाएगा, तो गत 3 वर्ष के लाभ है ना, आपको 4 साल के लाभ दे रखे, तो 3 साल के लाभ ले लो पीछे से, 34, 26, टोटल कितने हो गए? 60, और 6,000 की यानी 60 में 6 गए, तो 32, 54, 54 में किसका भाग दे देना? 3 का, क्या जाएगा? औसत। और औसत को कैसे लिखोगे? ऐसे, औसत लाभ लिख लेना, महीने लिख लेना, 4/12, और उसका हिस्सा लिख लेना 1/6, जो भी राशि आई उसे किस नाम से लिख देना? P&L सस्पेंस। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, साझेदारों की ख्याति में हिस्सा गत 4 वर्ष के औसत लाभ के 3 वर्ष के किराए के आधार पर, अब 4 साल के लाभ दे रखे हैं, चारों को जोड़िए, किसका भाग दे देना? 4 का, क्या जाएगा? औसत लाभ। औसत लाभ को आप किससे गुणा कर देना? कितने किराए के वर्ष के आधार पर है? 3 वर्ष के किराए के आधार पर, तो किससे गुणा कर देना? 3, तो क्या जाएगी? ख्याति। और फिर ख्याति में किसका हिस्सा निकाल देना? कौन मर रहा है? सी, तो सी का हिस्सा निकाल देना, और कौन देगा? ए और बी, तो बाई ए और बाई बी, और दिलवा देना। 90,000 की पूंजी हमने शुरू शुरू में लिख दी, मृत्यु की तिथि तक उसने 5,500 रुपये कारण किए, तो 2 ड्रॉविंग्स कितने रुपए लिख देना? 5,500, और कुछ नहीं आएगा, लिख देना 2 फीस एजुकेटर, 1,07,250 रुपये आएंगे, टोटल आएगा 1,12,750। कर दोगे? इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 10 को हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आज के हमारे क्वेश्चन के पार्ट थे जिन्हें हमें सॉल्व किया है, तो इनको लेके कोई भी डाउट अगर है तो औसत कैसे निकलता है? जितने साल के लाभ का औसत बोले उतने साल के लाभों को जोड़ दो, उतने का भाग दे दो। बाय द वे, उन लाभों में बीच में अगर हानि है तो वो हानि क्या होगी? घटेगी। जैसे देखो, 3 साल के लाभ 10 वर्ष के थे, 26,000, 6,000 की हानि और 34,000 का लाभ, तो 34 और 26 तो जुड़ेंगे 60, 6,000 की हानि घट जाएगी, तो 54, और 54 में बाकी का लगेगा 3 का, 3 साल तो 3 ही है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो,
और पूछो कोई डाउट, तो ऐसे जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और जो कंसल्ट क्लास हमारी स्कूल में चल रही है उस कंसल्ट क्लास में आके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तीन क्वेश्चन आज के आप हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उस पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, सेफ रहें, बाय। Thank you.